कार्य समान वेतन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि शिक्षा मित्र योग्य है तो सरकार ये भी तो नियम फॉलो करे कि सुप्रीम कोर्ट का ही ये एक आदेश है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए समान कार्य के लिए। और हमारे मंच पर रीना जी ने यह ऐलान कर दिया है अगर वार्ता के लिए 1 बजे तक हमारे साथियों को नहीं बुलाया जाता तो हम PM ऑफिस का घेराव करेंगे और जगह जगह चक्का जाम कर देंगे दिल्ली में। और अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता, जो 17 साल से इस सड़कों पर घूम रहे हैं हमारी बहुत सी बहनें, 7-7, 8-8 महीने के गर्भ से हैं और 4-4 महीनों के बच्चे लिए हुए हैं, उनकी यही दशा के लिए आज नौकरी करने के लिए कहा था जो 17 साल से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रही हैं और इस सड़कों पर धक्के खा रही हैं। 8-8 महीने के प्रेग्नेंट हैं और 4-4 महीने के बच्चे हैं। और एटा में एक बहुत दर्दनाक हादसा, मतलब मंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा था तो पुलिस ने उन पर दर्दनाक लाठियां बरसाई और हमारे जो 4 महीने का बच्चा है उनको जेल में डाल दिया गया, उनके मिलने तलक नहीं दिया जा रहा। 125 शिक्षा मित्रों के नाम FIR कर दी और 25 शिक्षा मित्र जेल में डाल दिए गए। वे अपने बच्चों से मिलने के लिए परेशान है। वहाँ अगर माताओं को नींद नहीं आ रही जेल में तो बाहर बच्चों को नींद नहीं आ रही है। क्या योगी सरकार को इसीलिए वोट दिया था? 90% शिक्षा मित्र ने इसलिए वोट दिया था कि केंद्र में भी योगी जी की सरकार है भाजपा की और राज्य में भी भाजपा की सरकार आएगी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और 2001 में जब शिक्षा मित्र का जन्म हुआ तब भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा मित्रों की नींव रखी गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार आई, उन्होंने NCT से ट्रेनिंग की परमिशन ली, हमारे लिए ट्रेनिंग शुरू करा दी, 2 वर्ष का डिप्लोमा। उसके बाद सपा सरकार आई, सपा सरकार ने हमें समायोजित करने का ऐलान कर दिया क्योंकि RTA 2010 के बाद TET लागू हुई है, हम उससे पहले लगे हुए हैं। 2009 के बाद शिक्षा मित्र की नियुक्ति बंद हो गई थी और हमें उस पदों पर नई नियुक्ति नहीं दी गई बल्कि समायोजन किया गया है, इसलिए हमारे राज्य सरकार ने TET से छूट दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये टैट के दायरे में आते हैं तो हमारे 50,000-40,000 शिक्षा मित्र टैट पास हैं। अगर न्याय ही करना था माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम टैट पास वालों को उनके पदों पर रखना था और 2 साल का टाइम देना था, जो विदाउट टैट पास हमारे शिक्षा मित्र की योग्यता पूरी कर लो, ये कोई नियम नहीं जानते। दुनिया का सबसे बड़ा फैसला ये है, आज तक इससे घटिया फैसला ना सुप्रीम कोर्ट का आया होगा ना आने की बारी है आने वाले टाइम में। अभी इससे पहले 4 शिक्षिकाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनको नौकरी करते हुए इतना टाइम हो गया कि हम इनकी योग्यताओं को नहीं देख सकते इसलिए इनको नहीं निकाल सकते। तो शिक्षा मित्र UP का तो 15 साल से नौकरी कर रहा है, क्या उसका अनुभव सारा दरकिनार रख दिया? एक TET की इतनी बड़ी वैल्यू, मतलब सारे अनुभव को दरकिनार कर दिया गया एक TET के लिए। आजकल ये 72,825 की भर्ती, संजय मोहन जिन्होंने TET की भर्ती कराई वो जेल में है और आज तक कोई जांच नहीं हुई। राज्य सरकार भी कहती है कि जांच होगी और दिन प्रतिदिन 72,825 की TET की मार्कशीट वो निकल रही है फर्जी। और BR 2003-2004 अंबेडकर विश्वविद्यालय भर्ती में उन्होंने ये कह दिया कि इतनी फर्जी भर्तियां हैं BED की और BED वाले नौकरी कर रहे हैं, वो हमारी हाथ की रोटी छीनना चाह रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और 1 बजे के बाद अगर PM ऑफिस कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो हम सारी रोड जाम कर देंगे। शिक्षा मित्र इतना भूला भटका नहीं है, इसमें 60% हमारी महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं। चलो पुरुष तो कहीं भी रोजगार करके खा लेंगे लेकिन ये हमारी माताएं बहनें कहाँ जाएंगी सड़कों पर, बताओ? इनके आंसू हमसे नहीं देखे जा रहे, सारी बहनों के आप भी देख रहे होंगे मीडिया वाले की ये रो रही हैं। और यूपी की मीडिया को आप तो स्वतंत्र हमारी बात ऊपर तक पहुँचाए जा रहे हैं लेकिन यूपी की मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ डिबेट होती वहाँ शिक्षा मित्रों को अयोग्य बताया जाता, अयोग्य क्या जब उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जो टैट पास है 40-45 हज़ार वे कहाँ के अयोग्य हो गए? क्या इनको टाइम नहीं दिया जा सकता था 2 या 3 साल का? जैसे 2019 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि 2019 तक सब अपनी योग्यता पूरी कर सकते हैं तो टैट की योग्यता भी तो उसमें ही आती है। ये कहाँ का न्याय है? 17 साल से नौकरी कर रहे हैं और एक TET के कागज के बदौलत जो 1.5-2 हज़ार में हमारे BTC और BED वाले खरीद रहे हैं 23 अंक के 123 अंक करा दिए, क्या यही सरकार नीति हमसे कराना चाह रही है कि हम भी दें? कर सकते हैं हम 2.5-2.5-3-3 साल की नौकरी कर ली और 3-3-4-4 लाख दे कभी चाहे तो टैट का वो खरीद सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। अगर बात TET की आती तो अभी सरकार पुनर्विचार याचिका डालकर दाखिल करा और हमें टाइम दे टैट करने का, 1 साल दे 2 साल दे, हम टैट करेंगे। टैट करने के लिए तैयार, मना कौन करता है? तब तक अगर व्यवस्था नहीं कर पाती सरकार तो समान कार्य समान वेतन हमारा दे और हम सड़कों पर घूमने के लिए विवश ना करा जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा जिसको हमारी राज्य सरकार को भी भुगतना होगा और हमारी केंद्र सरकार को भी भुगतना होगा क्योंकि दोनों सत्ताधारी। और जिस दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट से दीपक मिश्रा जी के पास हमारा मैटर चल रहा था तुरंत ट्रांसफर करा दिया गया UU ललित जी के पास और आदर्श कुमार गोयल जी के पास, और
जब हमारा मैटर चल रहा था तो खुद यू ललित जी और आदर्श कुमार गोयल जी ने ये कहा था कि एक अनुभव के आधार पर, मतलब क्या ही ना, प्राइमरी में पढ़ाने के लिए PhD की आवश्यकता। और आज वो यू ललित जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के मैटर में लिख कर दिखा दिया कि पैरा 135 के अंतर्गत मैं शिक्षा मित्र की, किसी भी वकील की, किसी भी दलील से संतुष्ट नहीं हूँ। हमने इतने बड़े बड़े वकील करे, जो राम जेठमलानी दुनिया के सबसे टॉप के वकील और कानून मंत्री हैं, शांति भूषण शर्मा संविधान के ज्ञाता हैं, और जी कपिल सिब्बल RTE एक्ट के जनक, और सलमान खुर्शीद कानून मैटर के टॉप पे टॉप वकील, क्या उनकी सब दरकिनार कर दिया गया? हमारे यू ललित और आदर्श कुमार गोयल भी एक सामान्य वकील थे जो अनुभव के आधार पर कोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं। उन्हें यह देखना चाहिए था, इतने बड़े बड़े वकील हमने अपना केस लड़ाने के लिए पैसा पानी में बहा दिया, और उन वकीलों की कोई भी दलील सुनने के लिए हमारे जज महोदय यू ललित जी और आदर्श कुमार गोयल जी बिल्कुल मना कर दिया उनको कि मैं किसी भी दलील से संतुष्ट नहीं हूँ। और दूसरे पक्ष के वकील और दूसरे पक्ष के, हाँ, राजनीतिक दबाव के कारण और दूसरे पक्ष के छूट मुटिया वकील, 1.5 लाख के वकील, उनकी सब बात सुनी जा रही, तो क्या ये राजनीतिक दबाव नहीं है? तो और क्या, हमारी भाजपा सरकार एक तानाशाही दिखाना चाह रही है और हिटलरशाही दिखाना चाह रही है, लेकिन आम शिक्षा मित्र उससे दबने वाला नहीं है। राज्य सरकार आकर कह दे कि हमारे बस का कुछ नहीं है, जब तक इनका इंतजाम नहीं हो पाता हम फ्री पढ़ाने के लिए स्कूलों में तैयार हैं, लेकिन हमें 10,000 का मानदेय नहीं चाहिए, हम एक फिक्स वेतन मान चाहिए, चाहे ये 25,000 दें, 30,000 दें, समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। हमने कहा यूपी में कि आश्रम पद्धति अपना दो, तो आश्रम पद्धति के लिए भी मना कर दिया, तो हम इस टाइम बहुत विवश हैं, हमारी सारी बहनें बहुत परेशान हैं, धरना दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए, नौकरी करी थी हमें जो भी गाँव वाला मिलता कि क्या हुआ भाई शिक्षा मित्र की नौकरी का, एक बार बताओ, हाई स्कूल में हम टॉपर, इंटर में हम टॉपर, BTC हमारे गवर्नमेंट ने कराई, ग्रेजुएशन के बाद BTC कराई जाती, लेकिन आज भी हमें यो लोग कहते हैं कि ये तो 8वां पास हैं, ये तो 12वां पास हैं। एक बार बताओ, जब टीचर का मानक हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन प्लस BTC है और टैट है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही तो राज्य सरकार ने हमें DBTC कराई, उसकी परमिशन NCT से ली, तब उसके अकॉर्डिंग SCERT ने हमें TET कराई, और आज भी हम इंटर पास हैं, बेशक हमारी योग्यता इंटर पास थी। मैं अपने इन मीडिया वालों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह अहलावत और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और ब्लॉक हल्दौर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं, समायोजित शिक्षा मित्र संघ का, और टैट पास भी हूँ, हमारे 40,000 शिक्षा मित्र टैट पास।